नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, कंप्यूटर हिंदी नोट्स डॉट कॉम से, और ASP.NET के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ कैसे करते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ भी क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ दोबारा से, कि जो स्टेट मैनेजमेंट है उसका यूज़ जो होता है वो वैल्यू को रिटेन करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो स्टेटलेस होती हैं, मतलब उनमें वैल्यूज़ को बाय डिफॉल्ट ASP.NET रिटेन करके नहीं रखता है, स्टोर करके नहीं रखता है। तो हमको एक पेज से दूसरे पेज में या उसी पेज में राउंड ट्रिप में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं वो हम लोग अभी देख रहे हैं। दोस्तों, हर वेबसाइट में क्वेरी स्ट्रिंग का यूज होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे google.com मैंने खोल के रखा है, और यहाँ पे अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो लोड हो रही है, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है सर्च, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है SXSRF इक्वल टू, और यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है, फिर M% लगा है, फिर यहाँ सोर्स लिखा है, फिर यहाँ पे EI, ऐसे मतलब तमाम कई सारी यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है OQ, तो यहां पर ये जो सब लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूं जिसमें आपको समझ में आ सके। मान लीजिए कि हमारा पेज SPX नाम का, अब इस पेज से हमने कोई फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म पे हम जब सबमिट करेंगे तो हम चाहते हैं कि वहां पे एक दूसरा पेज खुले, सपोज welcome.aspx। अब इस पेज में हमें दिखाना है नाम जो हमने default.aspx में स्टोर करवाया था। तो अगर हम इस तरीके से वैल्यू पास कर दें तो इस नेम को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। तो अब इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे जिसमें आपको ये आसानी समझ में आएगा किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने बना के रखा है ऑलरेडी पहले से, जिसमें हमने लिखा एंटर योर नेम, और यहां पर हम कुछ भी लिखेंगे वैल्यू सबमिट करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहां दिख रही है कि यहां पे हम वेलकम लिखा हुआ दिखा रहे हैं। इसके ऊपर हम चला के देखते हैं, देखिए हमारा पेज लोड हो चुका है, हमने यहां लिखा और सबमिट किया तो यहां पे वेलकम के साथ में लिखा आ गया। तो ये तो क्या है, इसी पेज में ही ओपन हो रहा है, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम सबमिट करने पर दूसरा पेज खोलना चाहते हैं और उस पेज को खोलने के बाद भी हमारी वैल्यू वहां पर दिखनी चाहिए, वेलकम वहां पे दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्म है ऑलरेडी, और उसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन बना के रखा है। अब लेबल की जरूरत है नहीं हमें यहां पे, क्योंकि अभी हम सबमिट करने पे हम दूसरा पेज खोलने वाले हैं। तो हम एक पेज यहां पे ऐड कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है कि एक पेज से दूसरे पेज में कैसे पहुंचते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पे हम एक ऐड कर देते हैं पेज, न्यू आइटम, यहां से हमने वेब फॉर्म ले लिया। अब इस वेब फॉर्म का जो नाम है वो है वेब फॉर्म 2, ठीक है। अब हम यहां पर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो बटन है इससे क्या होगा, इसको हम यहां मिटा देते हैं। यहां में लिखा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और हम इसको कहां रीडायरेक्ट करना है, हमें करना है इन्वर्ट कॉमा लगाया हमने पहले, तो webform2.aspx हमें यहां पे इसको रिडायरेक्ट करना है। पर रिडायरेक्ट करते समय हमें वैल्यू भी पास करनी है, तो वैल्यू पास करने के लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, हमें क्या पास करना है यहां पे, सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये रूल होता है। फिर किस नाम से पास करना है, तो हमने दिया यहां पे माय नेम इक्वल टू, ठीक है। मतलब उसमें जब हम दूसरे पेज में, दैट इज वेब फॉर्म 2 में, इस पेज इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो वहां पे हम माय नेम का यूज करेंगे। उसके बाद हमने प्लस साइन लगाया, प्लस साइन के बाद यहां पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को पास करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसको हम चला के देखते हैं, पहले तो इतना ही, देखिए तुम्हारा फॉर्म लोड हो गया है, हमने यहां पे नाम लिखा और सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा वेब फॉर्म 2 खुल गया, और यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है माय नेम इक्वल टू, और यहां पे वो वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को हमें इस पेज में यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो बहुत आसान है,
यहां पर हम एक लेबल बना लेते हैं, और इस लेबल पे हमको क्या दिखाना है, उसकी वैल्यू को दिखाना है, और हम इसको फॉर्म लोड पे ही कोडिंग करेंगे। तो हमें यहां पे पेज लोड आ गया, और पेज लोड में हम लिखेंगे लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, पहले हमें लिखना है यहां पे वेलकम, और उसके बाद हमने लिखा यहां पे प्लस, और जो वैल्यू है वो हमें कहां से मिलेगी उसके लिए हम लगाएंगे यहां पे, तो यहां पे हम प्लस लगाएंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी स्टेट मैनेजमेंट होते हैं उनमें सभी में हम स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते हैं। तो यहां पे लिखा हमने माई नेम, क्योंकि माई नेम नाम से वैल्यू पास हो रही है। यहां हम वेब फॉर्म वन खोल देते हैं इसको, और उसके बाद हम इसको यहां पे रन करेंगे, और रन करने के बाद हम जो वैल्यू भरेंगे सबमिट करेंगे तो हमारा दूसरा पेज खुलेगा, दैट इज वेब फॉर्म टू, और वहां पर वेलकम के साथ में हमने जो भी यहां पर वेब फॉर्म वन में वैल्यू भरी होगी वो हमको दिख जाएगी। तो देखिए हमारा फॉर्म जो है वो लोड हो गया है। यहां पर हम नाम टाइप करते हैं, जो भी हम वैल्यू देनी है, सबमिट पर हमने क्लिक किया, आप देखेंगे वैल्यू यहां पे पास हो रही है, दूसरा पेज खुल गया, और वहां पे उस वैल्यू को हम यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो क्वेरी स्ट्रिंग होता है उसमें दो स्टेप होती हैं, और जब हमें दो पेज में वैल्यू को एक्सेस करना होता है, एक पेज से दूसरे पेज में वैल्यू भेजनी होती है, तो हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहां पर सीधा जो हमारा फॉर्मेट है वो हम एक बार देख लेते हैं। हमें लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीराइट, ये आपको मालूम ही है, और यहां पर हमने पहले पेज नाम लिखा जिस पेज को हमें खोलना है, क्वेश्चन मार्क जिस नाम से हमें वैल्यू भेजनी है, प्लस वैल्यू, और जब हमें वहां पर रिसीव करनी होगी तो वहां हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें वेरिएबल का नाम जो हमने वहां पर भेजते समय रखा था। तो इस तरीके से हम क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।